हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल वी। और आज का वीडियो होने वाला है आपके ओपन पोर्स के लिए। और एज यू कैन सी, मेरे ना ओपन पोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे ऑयली स्किन है, इस वजह से मेरे ओपन पोर्स रहते हैं और उनको क्लींस भी मैं करती रहती हूँ। पर अभी मेरे पास है एक बहुत सही रेमेडी जिसका यूज़ करके हम अपने ओपन पोर्स को इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, पोर को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज तो नहीं करना चाहिए, पर हाँ, हम थोड़े से मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं इनको। और तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए चाहिए आपको बेसन, और मैंने यहाँ पे एक चम्मच बेसन लिया है, एक चम्मच बेसन। इस बेसन में डालना है हमें दही, और मैं इसमें एक चम्मच दही ऐड करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें दही ऐड करूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ यहाँ ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल की मैं कुछ ही बूंद यहाँ पे इसमें ऐड करूंगी इस तरह से। ओके, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पर। तो इस तरह से यहाँ कुछ थिक पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा, और अब इस पेस्ट को हम अपने पूरे फेस पर लगा लेंगे। और मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ इस साइड में मेरे काफ़ी ना ओपन पोर्स हैं, और इसका यूज़ करने के बाद मतलब एकदम से ही बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो यूज़ करते हैं। तो जब तक ये ड्राई होगा हमें तब तक इसको लगा के रखना है, और ड्राई होने के बाद देखते हैं इसका जादू। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और अभी के लिए इसने मेरे पोर्स को क्या कर दिया है, थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया है। पर इसे फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपको जो प्रॉब्लम है ओपन पोर्स की वो हमारी क्लियर हो जाती है। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है, तभी मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, इससे पहले मैं एलोवेरा को भी लगा लेती हूँ फेस पर, और क्योंकि एलोवेरा जो होता है ना वो पूरे फेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो ओपन पोर्स के लिए भी काम करता है, आपके डार्क सर्कल्स, तो इवन आपके स्किन को थोड़ा ब्राइट करने के लिए भी वो काम करता है, ठीक है ना। तो एलोवेरा तो बोल सकते हैं कि मतलब डेली मैं यूज़ करना ही चाहिए, बहुत सही चीज़ है। और एलोवेरा का यूज़ करने के बाद एलोवेरा को मैं क्या मॉर्निंग में यूज़ कर लेती हूँ, और इसको मैं फिर अभी शाम के टाइम में इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये काम करता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, और आपको यूज़ कर ओपन पोर की वजह से आपके क्या है, फेस थोड़ा सा डल दिखता है, क्योंकि डस्ट वगैरह जो होती है ना बहुत जल्दी से आपके फेस में आ जाती हैं, और जल्दी से आपका फेस थोड़ा सा ना डल सा लगने लगता है, पिंपल्स होने लग जाते हैं, ऑयल सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी आपके ओपन पोर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके पिंपल्स को, आपके फेस को हल्का सा डल करके रखते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, बार बार फेस को वॉश करना पड़ता है, जैसे इन सारी चीज़ों से आपके छुटकारा पा सको। तो ये जो फॉर्मूला है काफ़ी अच्छा है, इवनिंग के टाइम में आप इसका यूज़ करके देखिए, और डेफिनेटली ये काम करता है, और काफ़ी हद तक आपके पोर्स को भी निमाइज।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये होम रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इस वीडियो को लेकर, इस रेमेडी को लेकर, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो होम रेमेडी है वो डेफिनेटली काम करती है, आपके पोर को सच में मिनिमाइज़ करती है, तो आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जो है astylebee0512। आप मुझे वहाँ भी फॉलो। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। लव यू ऑल।